हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इशांकी तिवारी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम वैलेंटाइंस डे लुक क्रिएट करने वाले हैं। यू कैन वेयर दिस मेकअप ऑन योर डेट नाइट और इवन इफ यू आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे विद योर गर्ल्स। आई हैव क्विकली अप्लाइड लेंस ऑन माय आईज एंड देन मूविंग ऑन विल बी प्रेपिंग आवर फेस, विल बी प्रेपिंग द बेस एंड दैट इज बाय अप्लाइंग द प्राइमर फ्रॉम एल्फ। सो एल्फ एक हाई एंड प्रोडक्ट है, तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अमेज़ॉन पे इस वक्त लग्जरी प्रोडक्ट्स पे 70% ऑफ चल रहा है एंड यू कैन अवेल इट टुडे इटसेल्फ। आई एम जस्ट प्रेसिंग द प्रोडक्ट रियली वेल इनटू माय स्किन ताकि इसके बाद फाउंडेशन या जो भी हम लेयरिंग्स करेंगे वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट ना हो। देन मूविंग ऑन टू फाउंडेशन, मैंने रिसेंटली ये क्रीम फाउंडेशन ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी इट इज़ सो गुड, इट इज़ सो डैम गुड कि इसके बाद स्किन इतनी ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है, आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू। यू कैन लुक फॉर योर सेल्फ द डिफरेंस बिटवीन माई एक्चुअल स्किन एंड द साइड विच आई हैव अप्लाइड दिस फाउंडेशन। I got this at just rupees 400 and it has 12 shades in this pack. You can even do your contour with the darkest shade or you can even use it as a concealer with the lightest shade to highlight your points. Let's move on to concealer. I'm using Sugar Cosmetics one. It has super great formula, blendable and doesn't even makes your makeup cakey. I'm applying it to all my high points and also to the areas jahan pe mere breakouts ho rahe the so that wo better coverage de sake. सो गाइज, वैलेंटाइंस डे इज जस्ट राउंड द कॉर्नर और इतने सारे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स चल रहे हैं इस वक्त अमेजोन पे दैट यू कैन ईजिली गेट ऑल दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर एंड सम ऑफ इट आर ऑन हेवी डिस्काउंट्स। अगर आज नहीं लिया ना तो बहुत पछताने वाले हो, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू सम न्यूएस्ट प्रोडक्ट्स दैट आई हैव ट्राइड एंड दे वर्क अमेजिंगली। I'm becoming a fan of liquid blushes and this one from O2O is my newest favorite. It is super pigmented and is really blendable. आप अपने foundation या concealer के बाद जब इसको apply करोगे तो it builds so beautifully, इतना अच्छा प्यारा color आता है, you can see for yourself. And I got it at just rupees 600 जब पिछली बार Amazon पे सेल चल रही थी तब। So this is why I tell you to shop at the sale time क्योंकि उस टाइम पे बेस्ट डिस्काउंट्स होते हैं और आपको बहुत अफोर्डेबल रेंजेस में सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। So I learned this new technique for sun kissed look कि आपका जो भी रिमेनिंग प्रोडक्ट है आपके ब्रश पे वो आप अपने नोज के साइड्स में दोनों तरफ अप्लाई करोगे तो इट गिव्स सच अ ब्यूटिफुल लुक। मूविंग ऑन टू कॉम्पैक्ट फ्रॉम मेबलिन, ये आपके सारे जितने भी आपने अभी तक लिक्विड प्रोसेस किए हैं, मेड बी फाउंडेशन, कंसीलर, लिक्विड ब्लश, उन सबको अपनी जगह पे सेट करने का काम करता है। सो दिस इज वाई हम लिक्विड प्रोडक्ट सारे पहले लगाते हैं और बाद में उसको पाउडर प्रोडक्ट से सेट करते हैं। दिस कॉन्टोर पैलेट फ्रॉम आई मैजिक प्रो इज द न्यूएस्ट एडिशन टू माई वैनिटी और मैं इन्हीं न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही थी जो मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं एंड Trust me, the results are so good that I'm super impressed with it. Now let's hop on and fill in the brows. I just fill in all the gaps. I do not make it very sharp or something like that. I just fill in my brows and then with a spoolie I just set it. But today I'm not using any eyebrow pencil. I'm just using the darkest shade from my eyeshadow palette and with the angular brush I'm just filling the gaps.
Picking the lightest shade from this eyeshadow palette, I'll be just applying it on my eyelids and blending it really well. Please make sure to put the lightest pressure of your hands on your eyelids अगर आपने लेंस लगा रखा है तो, otherwise it will hurt a lot. फिर हम एक शेड डार्कर लेकर के उसको अपनी क्रीज पे ब्लेंड करेंगे एंड आउटर कॉर्नर्स ऑफ द आईज पे ब्लेंड करेंगे. देन आई एम गोना बी टेकिंग द सिमिलर डार्कर शेड जो हमने क्रीज पे लगाया था और उसको अपनी लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड करेंगे. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट आई पैलेट्स बिकॉज इसमें वेराइटी ऑफ शिमर शेड्स मिल जाएंगे आपको. And I'm using one such shade for my eyelids. मैं पहले बहुत ही lightest pressure से उसको try करके देखती हूँ and then if I like it, मैं उसको पूरे eyelids पे लगाती हूँ and then I blend it really well. Similar eyeshadow palette से मैंने एक champagne color का glitter और shimmer type of shade उठाया है and मैं उसको अपने inner corners में लगा रही हूँ. It looks so good. Then moving on to काजल. अगर आप काजल का एप्लीकेशन एक बार में नहीं कर पाते हो, दैट्स ओके. आप अपना टाइम लेकर के उसको पार्ट में कर सकते हो. आई लाइक टू डू इट दैट वे. दिस आई लाइनर फ्रॉम यूरोप गर्ल इज अ स्केच फॉर्मैट आई लाइनर एंड गिव्स सच अ स्मूथ फिनिश. कंप्लीटिंग माई आई लुक विद दिस फेसेस कैनेडा मस्कारा. Trust me, I was not expecting such good results from this brand. I'm trying it for the first time and I'm super impressed with it. I'll give it 10 out of 10 and you can surely go for it. We are to the end of this look and I'm applying highlighter. मैं highlighter लगाते ही उसको instantly blend करती हूँ जिस भी point में मैं लगाती हूँ और उससे आपके हार्श लाइंस नहीं विजिबल होती हैं, वो इजीली ब्लेंड हो जाता है साथ के साथ. सिंस इट्स द मंथ ऑफ लव तो मैं अपनी फेवरेट रेड मैट लिपस्टिक लगा रही हूँ. आई एम नॉट अप्लाइंग इट वेरी डार्क. आई विल बी अप्लाइंग वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इट. And we'll be topping it up with the nude pinkish shade. So here is the complete look and I have also changed my outfit. All the products that I have used will be linked in the description down below. Aap please usko check out karo and purchase it today itself. I hope you really enjoyed this look. You found it very wearable and easy to do. If so, then please give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel. Bye.